नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 18 जून 2021 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल महामुकाबले को लेकर दो बहुत ही बड़े अपडेट्स आप सभी क्रिकेट फैंस के लिए निकल कर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली सीरीज से पहले भारतीय टीम को यहां पर एक बहुत ही तगड़ा झटका लग गया है और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल महामुकाबले को माई 11 सर्कल ऐप पर खेल सकते हैं, क्योंकि फिलहाल यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर चल रहा है। जी हां, इस ऐप को ज्वाइन करते ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 1500 रुपए का कैश बोनस प्लस 20% एक्स्ट्रा कैश बैक मिलने वाला। इसके अलावा यहां पर हर महामुकाबले के लिए सौरव गांगुली, राशिद खान, वीवीएस लक्ष्मण अपनी टीम बनाते हैं और यदि आपकी टीम उनकी टीम को हरा देती तो आपको मिलेगा आपकी विनिंग का 5 गुना ज्यादा तक कैश। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? काफी सारे लोग यहां पर करोड़ों रुपए जीत चुके हैं, तो आप भी अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल ऐप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट यूर ओन रिस्क। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल महामुकाबले को लेकर, जो भारतीय समय अनुसार आज दोपहर 3 बजे से इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हमें साउथहैम्पटन के दी रोज बोल के मैदान पर दिखाई देने वाला है। काफी रोमांचक और शानदार ये मैच होने वाला है। लेकिन भाई, इस मैच की शुरुआत से पहले इस मैच के रिगार्डिंग दो बहुत ही बड़े अपडेट्स यहां पर आप सभी क्रिकेट फैंस के लिए निकल कर आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं उन दोनों ही बड़े अपडेट्स की। तो पहला अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर, जहां कल फाइनली बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जहां पर भाई काफी सारे चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले हैं टीम की प्लेइंग 11 की। हम यहां पर बात करते हैं तो भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे हिटमैन रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल, नंबर 3 पर आएंगे चेतेश्वर पुजारा, नंबर 4 पर कप्तान विराट कोहली, नंबर 5 पर वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे, नंबर 6 पर विकेट कीपर ऋषभ पंत, नंबर 7 पर आएंगे रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर रविचंद्रन अश्विन, नंबर 9 पर यहां पर हमें जसप्रीत बुमराह दिखाई देंगे, नंबर 10 पर मोहम्मद शमी और नंबर 11 पर ईशांत शर्मा। तो भी कुछ ऐसी होने वाली इस महामुकाबले के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11। वही हम बात करते हैं दूसरे अपडेट की। तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है जो बॉल यूज की जानी इस मैच में, उस बॉल को लेकर जहां मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस महामुकाबले में ड्यूक बॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। जिस बॉल की फोटो को आप सभी लोग स्क्रीन पर भी बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे होंगे, जहां पर रेड कलर की यह बॉल होने वाली है। बॉल के ऊपर डब्ल्यूटीसी फाइनल इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड भी लिखा हुआ होगा। बॉल दिखने में काफी शानदार है, लेकिन भाई यहां पर ड्यूक बॉल से भारतीय टीम को थोड़ी सी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ सकता है। लेकिन भाई कहीं ना कहीं ये रोमांचक महामुकाबला फाइनली हमें आज से दिखाई देने वाला है। लेकिन आपके हिसाब से कौन बनेगा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सीजन 1 का चैंपियन, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे को लेकर। जी हां, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि भाई जुलाई के महीने में भारत की टीम श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली है, जहां पर भारत और श्रीलंका आपस में 6 मैचों की बहुत ही शानदार सीरीज खेलने वाले हैं, जिस दौरान 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज होने वाली है। काफी रोमांचक और शानदार ये पूरा का पूरा सीरीज का कार्यक्रम है। लेकिन भाई यहां पर इस सीरीज की शुरुआत से पहले भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ रही है। आप सभी को पता है कि भाई फिलहाल भारतीय टीम मुंबई में इकट्ठा हो चुकी है, फिलहाल आइसोलेशन में है, क्वारंटीन में है और भाई शायद 28 तारीख को श्रीलंका जाएगी। वहां पर जाने के बाद 7 दिन के लिए उनको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, उसके बाद भाई प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन भाई यहां पर बीसीसीआई की तरफ से रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि भाई वो जो 7 तारीख से 13 तारीख के बीच का गैप होने वाला है, उस गैप में टीम इंडिया इंट्रा स्क्वाड मैच खेलेगी, जहां पर T20 और वनडे दोनों ही फॉर्मेट्स के महामुकाबले हमें दिखाई देने वाले थे। लेकिन भाई श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर इस बात के अनाउंसमेंट कर दिए कि भाई भारतीय टीम का कोई भी इंट्रा स्क्वाड मैच वहां पर नहीं होने वाला है। कोविड-19 पेंडेमिक के चलते वहां पर, मतलब आप सभी को पता है कि श्रीलंका में लगातार काफी केसेस बढ़ रहे हैं, जिसके चलते यह बड़ा डिसीजन
डिसीजन लिया गया तो भाई कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए और साथ ही साथ भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक छोटी सी बुरी खबर जरूर है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग 2021 को लेकर, जहां पर कल का महामुकाबला हमें इस्लामाबाद और पेशेवर के बीच खेला देखने को मिला था। और भाई उस महामुकाबले में जो रिकॉर्ड हुआ है भाई, मतलब उस रिकॉर्ड की जितनी तारीफ की जाए वो सीरियसली कम रहने वाली है। जी हां, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस्लामाबाद ने पहले बल्लेबाजी की और अपने 20 ओवर में वहां पर उन्होंने केवल 2 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए, जहां पर उस्मान ख्वाजा ने ताबड़तोड़ शतक जड़ा, 105 रनों की नाबाद पारी खेली। और PSL के अभी तक के सभी सीजन का एक टीम के द्वारा मतलब 20 ओवर में हाईएस्ट स्कोर ये हो गया है। इससे पहले भी इसी टीम का था, वो शायद 234 या फिर 238 रन था, लेकिन फाइनली इस्लामाबाद की टीम ने ही अपने ही रिकॉर्ड को यहां पर तोड़ दिया है, 247 रन बनाकर एक नया इतिहास PSL में अपने नाम कर लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है Vivo IPL 2021 के फेज 2 को लेकर, जहां पर भाई BCCI ने ऐसा बता दिया था कि भाई IPL 2021 का फेज 2 हमें सितंबर अक्टूबर के महीने में UAE में देखने को मिलेगा। लेकिन भाई उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल था, काफी सारे लोग ऐसा सवाल कर रहे थे कि भाई T20 वर्ल्ड कप IPL 2021 के बचे हुए मैचों को भारत में क्यों होस्ट नहीं किया जा रहा है, तो भाई इसके पीछे का रीजन यहां पर BCCI ने आधिकारिक तौर पर बता दिया है। रीजन यहां पर मानसून ने आप सभी को बताया कि भाई सितंबर अक्टूबर के महीने में भारत में मानसून रहता है बारिश की वजह से, ताकि काफी सारे मुकाबले वहां पर रुलेंगे, जिसके चलते भाई यह बड़ा डिसीजन यहां पर BCCI ने आधिकारिक तौर पर लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 को लेकर, जिसकी होस्टिंग को लेकर अभी तक लगातार विचार जारी है। BCCI ऐसा चाहता है कि भाई भारत में ही T20 वर्ल्ड कप होस्ट हो, लेकिन भाई शेड्यूल के रिगार्डिंग बड़ा अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है। अपडेट कुछ ऐसा है भाई, ICC के जो सोर्सेज उसके हवाले से रिपोर्ट्स कुछ ऐसी है कि भाई इस मंथ के अंत तक यहां पर ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल शेड्यूल, पूरा का पूरा शेड्यूल आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही यहां पर शेड्यूल आता है, तो भाई वह शेड्यूल आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट इंडिया पर ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये आज 18 जून 2021 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों का आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।